मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं। मैं अपने सामने इन बच्चों को ऐसे टॉर्चर होके मरता हुआ नहीं देख सकती, जिनके लिए मैं अकेली पड़ी हुई हूँ, जिनके लिए मैंने अपना करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन सब कुछ छोड़ दिया। ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैं पिपलियाना स्क्वायर तिलक नगर इंदौर में रहती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियंस, तिलक नगर थाने के अधिकारी, DIG, SSP, ASP, सब लोग इस बात से अवेयर है कि मैं यहाँ ग्रेटर ब्रजेश्वरी में रहती हूँ। यहाँ पे मैंने 40-45 हैंडीकैप्ड स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर दिया हुआ है, जिनको मैं 1.5 साल से पाल रही हूँ, अपनी खुद की अर्निंग से संभाल रही हूँ। ये पहली बार है जब मैंने पूरे इंदौर से हेल्प मांगी है। 10 महीने से तिलक नगर इंदौर थाने की पुलिस मेरे साथ इतनी भद्दी भद्दी चीज़ें करा रही है। इस एरिया में लोगों ने कसाई खाने खोले हुए हैं, भेड़ों के, बकरी के, अवैध अतिक्रमण कर रखा है। सोसाइटी गार्ड 10-10, 12-12 हज़ार पे भेड़ बकरियां यहाँ पे पलवाता है, जिनको कसाई खानों में बेचा जाता है। मैं 10 साल से पिछले करीब 10 दिन से मैं तिलक नगर थाने के चक्कर काट रही हूँ। 10 महीने हो गए हैं मुझे। 10 महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे घर के सामने बैठ के लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। शाम के 5 बजे के बाद मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं तिलक नगर की पुलिस को कंप्लेन करती हूँ तो तिलक नगर की पुलिस कहती है, क्योंकि आपके घर में कोई आदमी नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो ना मैडम, क्योंकि आपने शादी नहीं की है ना, क्योंकि कुत्ते हैं ना ये लोग जो यहाँ पे कसाई खाने चलाते हैं, ये रोज़ शाम को 5-6 बजे मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। 3-4 महीने पहले भी मैंने वीडियो वायरल किए थे, जब मेरा हाथ तोड़ा गया था, जब मेरा फ़ोन तोड़ा गया था। पुलिस मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि मैं 10 महीने से किसी तरह सिचुएशन सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सोच के कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये 40 बच्चे होमलेस हो जाएंगे। 3 दिन पहले मेरे 3 साल के पले पलाए कुत्ते को इन भेड़ बकरी वालों ने घेर के मार डाला। उसका गला टूटा हुआ था, चारों टांगें टूटी हुई थी, और जब मैंने बोला कि मैं FIR कराऊंगी, कल पोस्टमार्टम होगा, तो अगले दिन उसकी डेड बॉडी भी गायब हो गई। एनिमल वेलफेयर की बातें सुन सुन के मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं कितने NGO के कुत्तों को मेरे घर में मैं फॉस्टर कर रही हूँ फ्री में, मैंने शेल्टर दिया हुआ है, इसलिए कि इन बच्चों को किसी जगह की और किसी इंसान की ज़रूरत है। 3 दिन पहले मेरी बच्ची को मार दिया गया, और एक बच्ची अभी तक गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है कि जिंदा है कि मरी हुई है। रति राम जो एरिया का चौकीदार है, उसने यहाँ पे जो भेड़ें और बकरियाँ पलवाई हैं, उन लोगों के साथ मिलके उस बच्ची को मार डाला। 3 दिन से मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ। तिलक नगर थाने का TI लिटरली बदतमीजी कर रहा है और साफ साफ कंप्लेन लेने से मना कर रहे हैं। मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मुझे बोला जा रहा है कि जो 2 कुत्ते मरे वो मरे, बाकी को बचा। ये मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि पिछले 10 महीने का इन 40 बच्चों को बचाने के लिए मेरा स्ट्रगल ये रहा है कि मेरे साथ अटेम्प्ट टू सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, मेरे साथ अटेम्प्ट टू फिजिकल अब्यूज हुआ है, मुझे सोशली अब्यूज किया गया है, मुझे वर्बली अब्यूज किया गया है, मुझे फाइनेंशियली जितना अब्यूज भुगतना पड़ता है वो अलग है। मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं रात को तके के नीचे चाकू रख के सोती हूँ। तिलक नगर थाने की पुलिस लिटरली इस एरिया में ड्रग सप्लाई, कसाई खाने, अवैध अतिक्रमण, इन सब चीज़ों से धंधा करती है, पैसे कमाती है। मुझे धमकाया जा रहा है घर खाली करने के लिए, नहीं तो बोलते कि डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से जितने क्रुएलिटी से मेरे कुत्ते को घेर के मारे हैं, और जिस तरह से दूसरा बच्चा मिसिंग है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस बात की मुझे कि मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड हूँ या बाकी बच्चे नहीं मरेंगे। अगर मुझे कोई स्टॉक करता है तो पुलिस बोलती है आप अकेले क्यों रहते हो। ये भेड़ बकरी वाले लोग जो अवैध अतिक्रमण करके एरिया का चौकीदार रतिराम यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लेके रखवा रहता है, जब ये लोग मेरे घर के आगे नंगपने करते हैं तो पुलिस बोलती है आप अकेले क्यों रहते हो। तिलक नगर थाने की पुलिस मुझे लिटरली मैं एट द कॉस्ट ऑफ माय लाइफ, माय सेल्फ रिस्पेक्ट, माय रेपुटेशन इन 40 बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन लेकिन क्यों
लेकिन क्योंकि तिलक नगर थाने की पुलिस के हिसाब से मुझे शादी करके दो बच्चे पैदा करके किसी आदमी के साथ रहना चाहिए था, और इन 40 बच्चों को पाल के अकेले रह के मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, और जिस तरह मेरे दो बच्चे गायब हुए जितनी क्रुएलिटी के साथ, वो बच्ची मेरी एक मरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में घुस के ये हरकत मेरे साथ की जाए। अभी 5 मिनट पहले मुझे 10 आदमियों ने लिटरली घेर के धमकाया है कि मार के काट के डाल देंगे। मैं ये सब सुनते सुनते लड़ते लड़ते बहुत परेशान हो गई हूँ। इंदौर में न्याय, शासन, व्यवस्था, प्रशासन, कॉज, पर्पस नाम की कोई चीज नहीं है। कोई लड़के अकेले कुछ नहीं कर सकती। एक बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड, एक आदमी साथ में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंदौर का प्रशासन मेरी एग्जिस्टेंस को मानने से साफ साफ मना करता है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना सब कुछ लगा के भी, इतना कुछ भुगतने के बाद भी, सफर करने के बाद भी खुद को भी नहीं बचा पा रही हूँ, तो मैं इन बच्चों को कैसे बचाऊंगी। मुझे बोला गया है कि जो बोला है बोल के भी नहीं बता पा रही हूँ। 100 नंबर की पुलिस में बैठा हुआ आदमी मुझे कहता है कि गड्ढा खोद के इसी घर में गाड़ देगा कोई, मैडम पता भी नहीं चलेगा आपको, पूछने कौन आएगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे 40 बच्चे जो है इनका क्या होगा, ये तो मर जाएंगे, भटक जाएंगे सड़कों पे। आई एम लिटरली फोर्स्ड, मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कमिट कर लूं। तिलक नगर इंदौर थाने की पुलिस मुझे प्रेशराइज कर रही है सुसाइड कमिट करने के लिए, या बैठ के इंतजार करूं कि मेरे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, वो मैं नहीं कर सकती। आई एम लिटरली ब्रोकन। तिलक नगर इंदौर थाने की पुलिस बहुत गड्ढे है, ड्रग से पैसे कमाती है, अवैध अतिक्रमण से पैसे कमाती है, जानवरों के इलीगल सप्लाई से पैसे कमाती है, और अगर कोई ये बात बोल दे तो उसका जीना हराम कर देती है, उसका सर्वाइवल मुश्किल कर देती है। मैं 10 महीने से इंदौर के लोगों को ये सब इन्फॉर्म कर रही हूँ, कितने सारे पॉलिटिशियंस, कितने सारे एनजीओ सब ये बात जानते हैं। पहले एनिमल वेलफेयर का हैरेसमेंट और तिलक नगर इंदौर पुलिस का टॉर्चर तो रुक ही नहीं रहा है, केवल इसलिए कि मैंने इनकी पोल खोल ली। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। मैं अपने सामने इन बच्चों को ऐसे टॉर्चर होके मरता हुआ नहीं देख सकती, जिनके लिए मैं अकेली पड़ी हुई हूँ, जिनके लिए मैंने अपना करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन सब कुछ छोड़ दिया। ये मैसेज पूरे इंदौर के लिए कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके लिए तिलक नगर थाना पूरी तरह होल सोल रिस्पॉन्सिबल है। तिलक नगर थाने की पुलिस मुझे लिटरली टॉर्चर कर रही है, तिलक नगर का पूरा पुलिस स्टाफ मुझे इतना ह्यूमिलिएट करता है, इतना हैरेस करता है मेंटली, सोशली, पब्लिकली, अब तो इन्होंने हाथ पार कर दी। मैंने पहले पहले एक कुत्ते को मरवा दिया, एक को किडनैप करा दिया, मुझे लगातार गंदी गंदी गालियाँ दिलवा रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं। मुझे तिलक इंदौर के शासन व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे इनसे किसी तरह की हल्की कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग मुझे मरवा डालेंगे और पता नहीं मेरे साथ क्या करवाएंगे। मेरी लाइफ का कॉज, मेरी सारी स्ट्रेंथ तिलक नगर इंदौर पुलिस ने खत्म कर दिए। मेरी और मेरे 40 बच्चों की लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी। इंदौर पुलिस पूरे देश की सबसे का बस चले तो ये कुत्तों के भी डेड बॉडी बेच के उससे पैसे कमाए।